गाइस हमारा डिलीवरी बॉय आ गया है, हेलमेट लेके नया वाला मेरा, अनबॉक्स करेंगे इसको। चलो आजकल के टाइम पे लोग गाड़ी चलाते टाइम हेलमेट नहीं पहनते, ये टाइम पे ऐसे लोग को सैल्यूट करना चाहिए जो चलते टाइम भी हेलमेट पहनते। हो सकता है आप चलते चलते कोई आपको सब मार दे। गाइस हम अपना अरे रुको मैं अनबॉक्स करूंगा। अरे यस मैं सोचा था आराम से अनबॉक्स करूंगा, फाड़ दिया। गाइस अपना नया हेलमेट आ गया है, कनेक्ट चड्डी भी। अरे ये क्या है, चड्डी है? चड्डी फ्री मिला नहीं? थैली भी नहीं फाड़ने का, अभी थैली में रखूंगा मैं 2 साल तक सामान। अरे एक्स्ट्रा वाइजर भी मिला हमको, इसको अनबॉक्स करूंगा मैं। इसका ये स्क्रीन निकालने का अलग ही फील आता है। ये इसको खुलते कैसे? अरे यू लुक लाइक इन पावर रेंजर। पावर रेंजर इसको खुलते कैसे? अरे यहाँ से आयरन मैन किधर है बटन? किधर है? अरे इधर। नाइस। ये पहन के मैं चलाने क्या वाला हूँ मालूम? हायाबुसा, मेरा हायाबुसा दिखो। अब इसमें से गोप्रो का माउंट, माइक सब निकालेंगे, इस पे लगा देंगे बस। गाइस सो अभी क्रिसमस की छुट्टी आने वाला है, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने घर वापी। अरे मेरे को सी ऑफ भी करने नहीं आते। बाय टाटा। उबर से ऑटो बुक किया, अभी तक आया नहीं, 1 घंटे में पहुंचना है मेरे को, जल्दी जल्दी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ना, 9:30 के पहले पहुंच जाएंगे। 9:30 बस 9:30 के पहले पहुंच जाए वरना बस चला जाएगा हमारा। थैंक्स टू ऑटो वाले भैया जो हमको टाइम पे पहुंचा दिए। गाइस पूछो मत, इतना ट्रैफिक लगा था ना, मेरे को लगा नहीं था कि आज हम लोग टाइम पे पहुंचेंगे यहाँ पे, लेकिन ऑटो वाले भैया ने टाइम पे पहुंचा दिया। अभी मेरे पास इतना टाइम है ना कि मैं होटल में जाकर कुछ खा लूँ, उसके बाद बैठ जाऊँ, क्योंकि अभी मैं अगर बस में बैठ गया ना तो अभी कल सुबह रुकेगा बस, जहाँ पे भी रुकना, तो अभी मैं कुछ खा लेता हूँ वरना मेरे को रात भर भूख लगेगा और मैं सो नहीं पाऊँगा। गाइस मैंने खाने का ऑर्डर किया है चिल्ली गोभी और 3 पराठा, ये खा लूँगा तो कल सुबह तक भूख नहीं लगेगा। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि चिकन हो, लेकिन ये है पूरा प्योर वेज। इसमें लोड पड़ा, जब से मैं बैंगलोर आया ना कुछ नया ट्राई करता हूँ जब भी कोई भी होटल में जाता हूँ। बहुत मस्त है यार ये, आपने कभी गोभी चिल्ली खाया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। इसकी जितनी तारीफ करो उतना कम है यार, इतना टेस्टी बना है ना क्या बोलूँ। ये गोभी है, गोभी को एकदम फ्राई करके लिया, एकदम मसालों में डाल के, बहुत टेस्टी है। इसके साथ कांदा डालो, 1 नंबर। अब तक जो भी होटल में मैं गया हूँ ना वहाँ पे केलों के पत्तों में सर्व नहीं किया, सिर्फ केरला में आज तक मैं खाया हूँ ना वहाँ पे केले के पत्ते में सर्व किया है। आज बैंगलोर में भी मुझे केले के पत्ते में सर्व किया है। अभी गाइस ATM ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इतनी देर जो बिना कैश के चलता है, क्योंकि हर जगह पे बैंगलोर में छोटे से छोटे दुकान में पेटीएम या फिर गूगल पे कुछ ना कुछ चल ही जाता है। लेकिन अभी बस जहाँ से भी जाएगा ना, मुझे पता नहीं, जो भी होटल होगा उधर शायद गूगल पे और फोन पे नहीं होगा तो मैं फंस जाऊँगा, इसके लिए मुझे कैश निकालना पड़ेगा, अभी मुझे ATM ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। गाइस सिर्फ 20 मिनट बचा, 20 मिनट में ATM से पैसा निकाल के जल्दी जाना है वरना बस चला जाएगा। गाइस बिना ATM से पैसे निकाले जाने का सोच भी नहीं सकता मैं, बहुत बुरा फंस जाऊँगा। और एक ATM नहीं मिल रहा है, मैं ऑलमोस्ट 1/2 किलोमीटर चल चुका हूँ, या फिर मेरे से कोई ATM मिस हो गया है। गाइस फाइनली ATM से पैसा भी निकल गया और हम लोग बस स्टॉप के पास भी आ गए। सो गाइस ये हमारी बस है यार, लाइटिंग तो 1 नंबर लगाया बस में। चलो भाई मैं जा रहा हूँ सोने, सुबह मिलते हैं अभी। गाइस सुबह के 6 बजे और हमारी गाड़ी अभी पहला ब्रेक लिया है, ये वाला जो है ना ये मेरा वाला कैबिन है। ठंड इतना है ना, 17 डिग्री हो रहा है, हालत ख़राब है गाइस। सब लोग जो है चाय नाश्ता कर रहे हैं लेकिन मेरे को सिर्फ पानी पीना था, इसलिए मैं सिर्फ पानी पियो, और इतनी ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पर।
अभी तो बस में जाके वापस सोने वाला हूँ, लेकिन बाद में वापस उठ जाऊंगा तो खाने के लिए कुछ ले लियो। कल मैं 10 बजे ही सो गया था। मैं गाड़ी में आके बैठा, बस में इतनी ज़्यादा ठंड थी, मैं आके सो गया। उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी रुका, मैं कुछ स्नैक्स ले लिया, वापस आके सो गया। अभी 10 बजे उठ गया हूँ मैं। अभी 1 बजे या 2 बजे एक लास्ट ब्रेक होगा, उसके बाद सीधा 7 बजे वापस पहुँच जाएंगे। बाहर इतना ठंडी है, टेम्परेचर मतलब 17 या 16 डिग्री है, और ये एसी में बैठा हुआ है। मतलब ये एसी ना मैं बंद भी नहीं कर सकता, ऐसा करूँ तो बहुत ज़्यादा आवाज है। उसको ऐसा बंद रखो तो ये साइड में से हवा आता है, मतलब इन शॉर्ट इसके अंदर हवा बंद नहीं हो सकता। और ये मेरा कैबिन है, बैग और स्नैक्स रखा है वहाँ पे मैंने। थोड़ी देर बाद खाएंगे, अभी व्यू का मजा लो। मैं 2 महीने पहले भी वहाँ पे गया था ना, तो यही वाले ट्रैवल्स में गया था। इस बार भी मैं यही वाले ट्रैवल्स में जा रहा हूँ, सेम ट्रैवल्स में जा रहा हूँ, पर मुझे लगा था कि इस बार दूसरा बस आएगा, लेकिन भाई सेम बस सेम सीट नंबर। पिछले बार भी यही बस में गया था, सीट नंबर 25 था, इस बार भी यही बस और सीट नंबर 25। सुबह फाइनल लोकेशन आ गया, 1 बज गया यहाँ पे। खाना खाएंगे, इसके बाद बैठ के मूवी देखेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, उसके बाद 7 बजे पहुँच जाएंगे डायरेक्ट वापिस। 3 रोटी खाया, पनीर बटर मसाला खाया, पेट भर गया, अभी जाके सोऊंगा आराम से। गाइस फाइनली रीच मुंबई, अभी 3 या 4 घंटे में वापस पहुँच जाऊँगा। यकीन नहीं हो रहा है मैं कैसे इसके अंदर 30 घंटे के ऊपर बैठ गया, 30 या आई मीन 25 घंटे, आई डोंट नो, पर बहुत देर बैठा मैं इसके अंदर। ये बड़ा है गाइस हमारा बस घर, अभी 50 किलोमीटर बाकी है। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक दे दिया, ये ब्रेक बहुत ज़रूरी था यार सबको। एक जो एकदम जोर से सुसु आई थी सबको बस में, जैसे बस रुकी सब लोग निकल के भागे बस में से। अभी 50 किलोमीटर और बैठना है गाइस। फाइनली बैक होम। मम्मी अभी दरवाज़ा खोलेगी टॉफी, 2 महीने बाद देख रही है मेरे को, दरवाज़ा साइड में खोल जाता हूँ। पहचाना The next morning. So guys, you can see Tuffy is very excited to see me. गिर जाएगी बेड से। गाइस हमसे मिलने मेरे और टॉफी के बहुत सारे फैंस आए, आज हम उनसे मिलेंगे। चलो दिखा मेरे भाई के पास सच में कितना सब्सक्राइबर्स है, मैं नहीं बताऊंगा। मैं ये YouTube में मिल जाता, उसमें क्या हो गया, YouTube में नहीं दिखेगा कितने हैं। मुझे पता है, दिखता है मेरे भैया। आपने वो एक कैमरा लिया ना? हाँ एक ही कैमरा लिया मैंने, हाँ। उसके बाद कुछ मिला ही नहीं। पोको गए हैं? पोको नहीं, गोप्रो। देखो हाँ, देखे ना मेरा नाम लिखने आ गया तेरे को? बुरा ब्लॉग देख, इनका 14 वीडियोस है। देखो सब्सक्राइबर कितने ऊपर, देखना सब्सक्राइबर नहीं दिखेगा। एड्स चल रहे मेरे चैनल पे है ना, ऐसे दिन भर मेरे वीडियोस बैठ के देखने का ना। टॉफी से डर नहीं लगता? एक भी डॉग से डर नहीं लगता? गाइस हमारे फैंस बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, इसलिए हम लोग रूम में आ गए। ब्लॉग को एंड कर दे, बाय बाय।